हाय टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। आई होप इज इट लाइव। थैंक यू। चलिए तो आइए जरा चलते हैं हम लोग आज के अपने तीसरे वाले टॉपिक की तरफ। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्लैट्यूज, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे पठार के बारे में। ठीक है ना, प्लैट्यूज के बारे में। फाइन। चलिए तो आइए जरा आते हैं हम लोग और बात करते हैं आज के सवालों की। तो सब रेडी है ना? आज का टॉपिक आप सबको पता ही होगा, पठार, प्लैट्यू। हाँ जी, प्लैट्यू। चलिए तो उम्मीद करेंगे कि सब लोग इस टॉपिक को पढ़ के आए होंगे। लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाया था, आज हम लोग प्लैट्यूज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जान लीजिएगा कि आप लोगों के लिए जो जीडी का महापैक है वो आपको इतने अमाउंट में मिल रहा है। इसी के साथ साथ में आपको वीकली मॉक टेस्ट वगैरह मिल रहा है। लेकिन अगर आप एसएससी का महापैक ज्वाइन करना चाहते हो 2 सालों के लिए, तो इसका आज आखिरी दिन है जब आपको स्पेशल प्राइजेस पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए। हाँ जी, सब रेडी? रोम रोम। दीपक, रावण, शिखा, बंगाली, बंटी, नुसरत, सुरुचि, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आइए बात कर लेते हैं। देखिए, हमें आज जिस एरिया के बारे में बात करनी है वो है प्लैट्यू ऑफ इंडिया, भारत का पठार का जो क्षेत्र है, प्लैट्यू ऑफ इंडिया। ठीक है, जब हम इंडिया के प्लैट्यू की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, एक पेनिनसुला है, एक प्रायद्वीप भी है, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है अरेबियन सी, अरब सागर, यहाँ आपको मिलता है बे ऑफ बंगाल, और नीचे के साइड पे आपको मिलता है इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये आपको ऐसे प्लैट्यू की जो लोकेशन है वो देखने को मिलेगी। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, हर हर महादेव। आओ नाउ फोकस। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको विंध्या नाम की पहाड़ी देखने को मिलेगी, उसके नीचे सतपुरा मिलती है, इसके बीच में से एक नदी इधर की तरफ जाती है जिसका नाम है नर्मदा। ठीक है, तो इसी नदी के नीचे से जो पूरा आपको हिस्सा देखने को मिलता है, ये जो पूरा आपको भाग देखने को मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्लैट्यू, यानी कि ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, ये क्या है, ये आपको प्लैट्यू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आपको सतपुरा नजर आ रहा है, इसके नीचे से एक रिवर जाती है जिसका नाम है तापी, या इसी को हम ताप्ती के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत सारे प्लैट्यूज। ओके, एक एक प्लैट्यू के बारे में जरा देख लेते हैं कौन कौन से मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा मेवाड़ प्लैट्यू, यहाँ आपको मिलेगा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, उसके नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, उसके नीचे आपको मिलेगा दंडकारण्य का पठार, यहाँ होगा तेलंगाना प्लैट्यू, यहां पे होगा डेक्कन प्लैट्यू, ये होगा कर्नाटका प्लैट्यू। ठीक है, तो ये आपको कुछ प्लैट्यूज हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फाइन। अच्छा, तो मैम इन प्लैट्यूज के साथ में हम लोग कई बार ये भी तो पढ़ते हैं ना कि वेस्टर्न घाट होते हैं, ईस्टर्न घाट्स होते हैं। जी हाँ, वेस्टर्न घाट भी होते हैं और ईस्टर्न घाट भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। अच्छा, यहाँ पे भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आने जा रहे हैं, तो जो बच्चे ऐसे हैं, जो पेड क्लासेस के बच्चे हैं, रेडी रहिएगा। आप लोग ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अभी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, तब तक जल्दी से रिवीजन करो जो बता रहे हैं। चलिए, ये क्या है, ये आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट, ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा ईस्टर्न घाट। ठीक, जहां पे ये दोनों आपस में जुड़ते हैं वो जगह क्या है, वो जगह है नीलगिरी हिल्स। क्या है, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, अच्छा, अब इसके नीचे यहाँ पे भी आपको दो पहाड़ियां मिलती हैं, एक है अन्नामलाई, अन्नामलाई, और एक है कार्डमम, एक है कार्डमम। ठीक है, ये कुछ आपको इस जगह पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, फिर देखो, ये जो आपको वेस्टर्न घाट नजर आ रहा है, इसकी शुरुआत होती है साउथ गुजरात से, खत्म होता है तमिलनाडु पे, और इसकी शुरुआत होती है साउथ वेस्ट बंगाल से, खत्म होता है कहाँ, तमिलनाडु पे। ठीक है,
चले। अब इस जगह को हम क्या कहते हैं, इस जगह को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किसको? वेस्टर्न घाट को। फाइन, इसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की, तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या होगी बताना, सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या होगी, जल्दी बताओ, फिर चलें इन सवालों की तरफ फटाफट। हाईएस्ट पीक बताएं, हाईएस्ट पीक ध्यान से सवाल सुनो, मैंने आपसे पूछा है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, कलसुबाई कहां से आ गई? अपने यहाँ पे पीएम जो है वो मन की बात करते हैं, तो अपने यहाँ पे टॉप अथॉरिटी कौन है, पीएम मोदी है ना, यही तो है। उसी तरीके से वेस्टर्न घाट की भी जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाय मोदी। नहीं याद होता है, भूल जाते हो, तो उसको ऐसे रिलेट करके याद कर लो, तुम्हें तो याद करने से मतलब है ना, अनाय मोदी, ठीक है, भूल मत जाना इसको। ये है हाईएस्ट पीक, किसकी हाईएस्ट पीक है, तो ये आपको वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। फाइन, अच्छा इधर के साइड पे आ जाओ, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी होगी बताओ, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, महेंद्र, बाहुबली नहीं, महेंद्र गिरी, क्या होगी, महेंद्र गिरी आपको देखने को मिलेगी। चलिए, ये तो हाईएस्ट पीक हो गई। अब इसी में आप देखोगे तो जो ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र वाला, यहाँ पे आपको मिलता है, हाँ जी बताइए, हरीश चंद्र रेंज, क्या मिलेगा, हरीश चंद्र रेंज जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, कलसु बाई। किसकी बाई? कलसु की बाई, ठीक। अच्छा, अब ये जो नीलगिरी तुम्हें दिखाई दे रही है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, दोदा बेटा, क्या हो जाएगा, दोदा बेटा, ठीक है। चलिए, और दोदा बेटा जो है ये याद रखिएगा, ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक, साउथ इंडिया की ये हाईएस्ट पीक के रूप में आपको दोदा बेटा देखने को मिलेगी, ठीक। अच्छा, ये जो यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट नजर आ रहा है, यहाँ से आपको काफी सारी नदियां देखने को मिलती हैं जो कि इधर की तरफ जाती हैं। तो अगर हम रिवर्स की बात करें, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जो नदियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा, महानदी ऊपर के साइड नर्मदा, डेक्कन प्लेट्यू, गोदावरी, कृष्णा, नीचे कावेरी, ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, डन। तो चले सवालों की तरफ, हाँ जी चला जाए, सब रेडी हैं क्वेश्चंस करने के लिए, हिमानी, भुवनेश, प्रवीण, राधे राधे, सत्यजीत, ऑलराइट, चले तो चलते हैं सवालों की तरफ, और हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए सवाल कहाँ जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, कि अ प्लेट्यू डैश स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया इज व्हाट, आसपास के क्षेत्र के ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है उसके बारे में कुछ लाइनें लिखी हैं, आपको बताना है कि कौन सी लाइन इसमें से करेक्ट है। आज आईबी का पेपर था, आईबी के पेपर के अंदर ज्योग्राफी में से 3-4 सवाल आए थे, जिसमें से दो क्वेश्चन जो है, मतलब बताया उसने बहुत सारे, बट ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, एक तो कृष्णा रिवर के ऊपर आया था और एक क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर आया था, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ जी बताइए, ऑल, अरे देवा ये, और जादू घोड़ा जो है वो सिर्फ आपका रेलवे का एग्जाम कंसिडर करता है, बाकी कोई भी जादू घोड़ा नहीं मानता, क्योंकि जो ये आपका है ना महेंद्र गिरी, उसी की एक पीक है जिसका नाम जादू घोड़ा। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा फ्लैट टॉप। ये ऑल वालों थोड़ा सुधर जाओ, बड़ा प्लेट्यू क्या होता है, जब हम प्लेट्यू बोलते हैं तो प्लेट्यू का मतलब क्या है, कोई भी एक ऐसा भाग जो कि आपको मैदानी क्षेत्र पे देखने को मिल रहा है और वो थोड़ा सा एलिवेटेड है, थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है, जहाँ पे आप देखेंगे तो इसके दोनों तरफ आपको ढलान देखने को मिलती है,
स्लोप देखने को मिलती है और इसके ऊपर के साइड पे आप देखोगे तो ये एलिवेटेड एरिया है, ऐसा ऊपर के साइड पे उठा हुआ भाग है, और यहाँ ऊपर के साइड पे आप देखेंगे तो इसका फ्लैट टॉप होता है। लगा लिया ऑल, खुस हो गए ऑल, 50,000 का है, भूला मत करोगे किसके क्लास में हो। चलो अगला, इनमें से कौन सा ऐसा पठार है जो कि हाईएस्ट है पूरे विश्व के अंदर? स्टार्टिंग में मुए मुए हो गया, चलो बताओ। बताएं, हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड कौन सा होगा? तिब्बत होगा। अच्छा तिब्बत, ओके ओके करेक्ट, सिंपल आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? तिब्बत का पठार होगा। तो तिब्बत का जो पठार है ये आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलता है, या आप कह सकते हैं हाईएस्ट प्लेट्यू के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया के अंदर जो आपको सबसे बड़ा प्लेट्यू देखने को मिलेगा वो कौन सा है? वो है डेक्कन प्लेट्यू। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि जो तिब्बत वाली लोकेशन है यहाँ से कौन सी प्रमुख नदियां निकल के आती हैं, तो एक तो देखो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है, दूसरी कौन सी है? सतलज है, तीसरी कौन सी है? इंदस है। ये तीन नदियां जो हैं तीनों की तीनों कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत के पठार से निकलती हैं। तो ये लोकेशन वैसे भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये जो डेक्कन का पठार है, याद रखिएगा कि ये किससे बना हुआ है? बेसाल्टिक रॉक, बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे काली मिट्टी देखने को मिलेगी। इन केस क्वेश्चन आपसे ये बन जाता है कि ये बताइए इसका सबसे ज्यादा हिस्सा कौन से राज्य में आएगा? ओप सॉरी, हाँ तिब्बत नाम नहीं है अब इसका। बताएं कौन से स्टेट में आपको इसका सबसे ज्यादा हिस्सा देखने को मिलता है? महाराष्ट्र, बिल्कुल सही जवाब है। आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर आपको इसका एरिया जो है वो देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इनमें से कौन सा ऐसा पठार है जिसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, पूरे विश्व की छत? आशीष मौर्य, लग रहा है बनारस में आजकल तुम्हारा कोई काम हो नहीं पा रहा है सही से, हाँ बताएं इसका भी आंसर तिब्बत प्लेट्यू। अरे सोच लो, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? कोलोरेडो प्लेट्यू। पामीर, 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 लेकिन ऑप्शन में पामीर नहीं दिया है ना, मुद्दा तो ये है ऑप्शन में पामीर लिखा ही नहीं हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल, तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत प्लेट्यू। बट आप सबको पता है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? पामीर नॉट को जाना जाता है। और जो पामीर नॉट है ये भी क्या है? ये भी एक प्लेट्यू है। ये भी क्या है? ये भी एक प्लेट्यू है। अच्छा, अगर हम पामीर नॉट की बात करते हैं तो यहाँ से दो माउंटेन्स या दो पर्वत श्रृंखला निकल के जाती है। क्या क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे? तो एक तरफ है हिंदू कुश, G28 अभी हुई थी है ना, तो अफगानिस्तान से एक किसी बंदे ने एक पेटिशन फाइल की है कि आपने हमारे देश को इनवाइट क्यों नहीं किया COP28 के अंदर। तो वही वाली बात हो गई, जैसे कि खाना खाने गए थे फ्री में, हमको क्यों नहीं इनवाइट किया। चले, ये जगह जो है ये है कुनलुन माउंटेन। क्या है? कुनलुन माउंटेन। ये कहाँ होगी? ये होगी अफगानिस्तान के अंदर। कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर। और ये कहाँ आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा चाइना के अंदर, ठीक है ना। ये दोनों नाम पता होने चाहिए। अगला, डैश इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, इसमें से कौन सा पठार ऐसा है जो कि गोल्ड के लिए और डायमंड के लिए जाना जाता है? अच्छा अच्छा, तो बलिया वाला था। अच्छा, वाराणसी वाला कौन है? कोई तो है। ए होगा डेक्कन प्लेट्यू, गोल्ड के लिए और डायमंड के लिए जाना जाता है। डेक्कन प्लेट्यू गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए। सोच लो एक बार, इसे डायमंड एंड गोल्ड लिखा हुआ है भाई। अरे कैसी बातें कर रहे हो,
कितनी बार तुम्हें पढ़ाई गई है ये बात कि जब हम डायमंड कटिंग की बात करते हैं तो रशिया नंबर वन पे आएगा, उसके बाद में आपको सूरज देखने को मिलता है, किसके लिए? डायमंड कटिंग के लिए। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड की आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही माइन देखने को मिलती है, जिसका नाम क्या है? कोलार माइन। लेकिन ये भी आजकल बंद है। और ये कहाँ है? ये है कर्नाटका के अंदर। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता था। जम्मू से याद कर रही हैं? अरे दुआएं बस आप लोगों की। हाँ जी बताएं, खेल कर दियो तुम लोग, ज्यादा ज्यादा के चक्कर में अक्सर ऐसे ही हो जाता है ना। चलो कोई बात नहीं, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा अफ्रीका। बिल्कुल, तो तुम्हारा राइट है तो तुम्हें 1 करोड़ मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें 1 करोड़ मिलेगा। चलो, डैश इज फेमस फॉर टिन रिजर्व, बताएं। टिन रिजर्व, ऐसा कोई नहीं कहता, ऐसा मैं करती हूं। एम के शर्मा, चलिए बताइए, टिन रिजर्व कहां पर पाए जाएंगे? टिन एंटोलियन प्लैट्यू, एंटोलियन प्लैट्यू, अच्छा एंटोलियन प्लैट्यू जी नहीं, इसका आंसर क्या होगा? एंटी प्लानो में इससे जो मतलब टिन के रिजर्व्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अब जरा हम इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर जैसे कि आयरन ओर है, बॉक्साइड है, कोल है, यूरेनियम, थोरियम है ना, आजकल तो इसके ऊपर भी सवाल बन जाता है, और लिथियम, आजकल तो वेनेडियम भी चल रहा है भाई, और वेनेडियम है ना, इन सब के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बताओ ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, है ना। तो आयरन ओर हो गया, बॉक्साइड है, कोल है, ये तीनों आपको मिलेंगे कहाँ? छोटा नागपुर का पठार। कहाँ मिलेंगे? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अगला है यूरेनियम। यूरेनियम आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आंध्र। अगला है थोरियम, ये कहाँ आएगा? केरला। नेक्स्ट है लिथियम, इसके रिजर्व कहाँ आए थे? जम्मू कश्मीर में आए थे। और वेनेडियम कहाँ मिला था ये बताओ? वेनेडियम कहाँ पे पाया गया था? हाँ टाइटेनियम भी आया आजकल, राइट राइट, बताएं वेनेडियम कहाँ पे पाया गया था अभी? तुम पाकिस्तान से मेरी वीडियो देख रहे हो? अरे तो ये बताओ क्या हाल है दाऊद के? कोई अपडेशन नहीं दिया तुमने? गुजरात गुजरात गुजरात, पंजाब करा दे बेटा, पंजाब की, पंजाब पढ़ा तो दिया, पंजाब कब का पढ़ा दिया चेक करो कि राजस्थान क्यों आंसर आ रहा है भैया? गुजरात में कहाँ पे? गुजरात के अंदर आपको देखने को मिला था, राजस्थान में कब से आ गया? चलो डेक्कन ट्रैप किसके द्वारा बना था? डेक्कन ट्रैप किसके द्वारा बना था? डेक्कन ट्रैप से मतलब है यहाँ पे डेक्कन प्लैट्यू, बताएं। गंगा आरती बेस्ट चल रही है, चलो कभी मौका लगेगा डेफिनेटली बताएं। धरवार बता रहे हो, धरवार सी, अच्छा मीजोजोइक, मीजोजोइक, ओके। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रस्टेशियन पीरियड, करेक्ट। क्रस्टेशियन पीरियड जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि जो डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है ये किससे बना हुआ है? ये बना है बेसाल्ट की चट्टानों से। लेकिन ये बेसाल्ट की चट्टानें आई कहाँ से? तो ऐसा माना जाता है, वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया, भारत के अंदर एक समय की बात है जब यहाँ पे क्या हुआ था, ज्वालामुखी फटा था, जब यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। जब यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ था तो उस टाइम पे जो बेसाल्ट की चट्टानें हैं वो यहाँ पे बन जाती हैं, और यही बेसाल्ट की चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं और ये क्या बनाती हैं? काली मिट्टी बनाती है, ठीक है। हाँ गौरव, ये भी मिला था बिल्कुल सतलज वाले एरिया में। और ये जो मिट्टी है
ये सबसे बेस्ट किस चीज के लिए मानी जाती है? कॉटन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है ब्लैक सॉइल। जरा मुझे जल्दी से आंसर करके बताना कि कॉटन के लिए कौन सा शहर फेमस है, बताएं। कॉटन के लिए कौन सा शहर फेमस है? नेम द सिटी, नेम द सिटी। सूरत, सूरत। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरत इज द राइट आंसर, ठीक है। और सूरत, अभी आप देख ही रहे हो कि सूरत के अंदर क्या लॉन्च किया गया, सबसे बड़ी बिल्डिंग, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है उसको यहीं पर लॉन्च किया गया है, इसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे पे है? तो ये आपको तापी या फिर ताप्ती नदी के किनारे देखने को मिलेगा। चलिए, भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो रिजर्व्स हैं आयरन ओर, कोल, मैंगनीज, ये सारे के सारे कहाँ पे पाए जाते हैं? ये सारे कहाँ पे पाए जाते हैं? मेघालय, छोटा नागपुर, मेघालय, छोटा नागपुर। ऑलराइट, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, देखो छोटा नागपुर का जो पठार होता है ना, इसका जो पार्ट है थोड़ा सा उड़ीसा में आएगा, थोड़ा सा बिहार में आएगा, बट इसका जो मैक्सिमम पार्ट आपको मिलता है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक नदी देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दामोदर। क्या नाम है? दामोदर, ठीक। और इधर नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पे एक नदी मिलती है जिसका नाम है महानदी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है महानदी, ठीक है। अब ये जो महानदी है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। लेकिन ये लाइफलाइन कहाँ की है? तो ये उड़ीसा की लाइफलाइन है। किसकी? उड़ीसा की ये लाइफलाइन है, ठीक है। यहाँ से निकलेगी छत्तीसगढ़ से, बट ये इंपॉर्टेंट रिवर किसकी है? उड़ीसा की, ये इंपॉर्टेंट रिवर के रूप में आपको देखने को मिलेगी, ठीक। अच्छा, एक है दामोदर, दामोदर रिवर जो है इसे हम क्या कहते हैं? सौरव बंगाल। क्या कहते हैं? सौरव बंगाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रिवर है ये, करेक्ट बंगाली, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट पे, इनमें से कौन सा ऐसा पठार है जिसे हम रू ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, बताएं। दुखों का पहाड़, अरे वेलकम टू द क्लास बेटा। ये सब चीजें ना सुबह पढ़ा करो, सुबह क्लास में आया करो 7 बजे, वहां बताएंगे और वहां बता चुके हैं, वहां पे आओ, वहां पे। हाँ जी बताएं, रू ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू, पक्का? चले, इसका राइट आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर के पठार को जाना जाता है। बट क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ से क्या होता है ना, काफी सारे जो मिनरल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अभी जो काफी सारे मिनरल्स यहाँ से मिल रहे हैं तो इससे क्या है, इंडिया की इकोनॉमी चलती है। अब हमारी इकोनॉमी इसी से चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश की जीडीपी भी इसी से चलेगी। और जब जीडीपी आता है तो सवाल तो देखो पूछना ही पड़ेगा। जरा मुझे बताना, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी कौन से राज्य की है और दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? पूछने का मन तो नहीं था लेकिन अब आया है तो पूछना तो पड़ेगा, बताना तो। हाँ, हीराकुंड डैम आपको महानदी के ऊपर मिलेगा, बिल्कुल सही। महाराष्ट्र एंड यूपी, बिल्कुल। क्या है? महाराष्ट्र एंड यूपी आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, मालवा का पठार, ये आपको मालूम होगा। इधर ये जो राजस्थान वाला जो एरिया लगता है और जो एमपी वाला एरिया लगता है वहां पे आपको मालवा प्लेट्यू देखने को मिलेगा। और इसी वाले एरिया में ये जो मेवाड़ और मालवा वाला एरिया है यहाँ पे आपको चंबल रिवर भी मिलती है, बानस नदी भी देखने को मिलेगी। ये जो शिलोंग प्लेट्यू है ये कौन से स्टेट में होगा? शिलोंग प्लेट्यू कहाँ पर होगा बताएं? सुरुचि, करेक्ट। शिलोंग प्लेट्यू कहाँ पर होगा? नेम द स्टेट। हम क्लास को कोई लाइक नहीं करता भैया, कर दिया करो, हम कहते नहीं है तो काम नहीं करोगे तुम लोग। मेघालय, अरे कहाँ पे होगा? मेघालय के अंदर आपको ये मिलेगा। तो मेघालय प्लेट्यू या कह लीजिए शिलोंग प्लेट्यू जो है
ये किसका पार्ट है? ये मेघालय का पार्ट है, जहां पे आपको कुछ पहाड़ियां भी देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां हो जाएंगी? मैंने आपको पढ़ाया था गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन पहाड़ियां आपको याद रखनी है। तीनों में से किसी के ऊपर भी सवाल आएगा। यहाँ आएगा चेरापूंजी, यहाँ आएगा मौसन ग्राम, और जो मौसन ग्राम है ये क्या है, पूरे दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा जो बारिश है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब मेघालय जो है इसके तीन तरफ आप देखोगे तो आसाम है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसका कुछ थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो आपको आसाम के साथ में भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, फाइन। और नीचे के साइड पे क्या है? बांग्लादेश। नीचे के साइड पे क्या मिलेगा? नीचे के साइड पे आपको मिलेगा बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एक प्लाट्यू मिलता है, प्लाट्यू का नाम क्या है? शिलोंग है। और यहाँ पे आपको कुछ पहाड़ियां भी देखने को मिलती हैं, जो कि आपने पूर्वांचल हिमालय में पढ़ी थी। चल, सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ, जो सेंट्रल हाईलैंड है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, या फिर उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? सेंट्रल लिखा है, ध्यान से आंसर करना, सेंट्रल मतलब मिड, बताएं। हाँ, माल्टा फॉल्ट भी मिलेगा, करेक्ट करेक्ट, बताएं। सेंट्रल हाईलैंड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? मालवा और छोटा नागपुर का प्लेट्यू। अच्छा, कुछ लोग मालवा और नहीं, डी कोई नहीं बता रहा है, मालवा इंदौर की तरफ है, बिल्कुल। चले, इसका राइट आंसर क्या होगा? मालवा एंड छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि मालवा जो है वो मैंने अभी आपको बताया ना, राजस्थान और एमपी का जो बॉर्डर लगता है वहां पे आपको ये मिलेगा। और इसके ऊपर के साइड पे देखोगे, जैसे मान लीजिए ये मालवा है, ठीक है, और यहीं पे आप देखेंगे तो आपको मिलता है बुंदेलखंड। क्या मिलेगा? बुंदेलखंड आपको यहीं पर मिलता है। बुंदेलखंड का ऊपर वाला जो पार्ट है ये यूपी है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये आपको एमपी देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं, हमने नहीं देखी यार मूवी वूवी, अभी टाइम नहीं लग रहा है। चलो, तो ये यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन जो है ये मालूम होनी चाहिए कि बुंदेलखंड आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। बुंदेलखंड इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो बता देते हैं। बुंदेलखंड का जो एरिया है ना, यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी यानी कि पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो यहाँ पे केन और बेतवा का वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है इसको चलाया जा रहा है, ठीक है। आज सुबह भी मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, और आज सुबह मैंने आपको एक और प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ाया था। कौन सा प्रोजेक्ट है बताएं? दूसरा वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो मैंने आपको आज पढ़ाया, जो राजस्थान और एमपी के बीच में आएगा। कौन कौन से रिवर्स हैं? झांसी, करेक्ट करेक्ट, मौसम राइट। हां जी, पार्वती और क्या है? पार्वती और काली सिंध, कर रहे हैं। कौन सी? पार्वती एंड काली सिंध आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following soil is prominently found in the Deccan Plateau? Deccan Plateau वाले एरिया में इसमें से कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिलती है? Name the soil. और हाँ सुनो, थोड़ा सा ध्यान व्यान रखो, कोविड के केसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए, उसके ऊपर शाम को 8 बजे मैंने एक सेशन भी किया है, 5 से 6 मिनट का है, देख लेना। और अब मास्क वास्क लगा के जाओ, जहां पे भी जाओ बताओ। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, अच्छा चले, इसका आंसर क्या होगा? ब्लैक सॉइल आपको मिलेगा। देखो, जो जलोढ़ मिट्टी है, जो एलुवियल सॉइल है, ये आपको प्लेन्स के एरिया में मिलता है, और भारत में सबसे ज्यादा आपको यही वाली मिट्टी देखने को मिलती है। कितनी मिलेगी? 47%, ठीक है ना, कितना? 43% आपको ये मिलेगा। अच्छा, दूसरी है रेड सॉइल। ये जो रेड सॉइल है ये आपको मैक्सिमम कर्नाटका और जो तेलंगाना वाला एरिया है ना, वहां पे आपको ये मिलती है। और ये रेड सॉइल किसके लिए जानी जाएगी? कॉफी, किसके लिए? कॉफी के लिए, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ पे भी है, अच्छा। अगला सुनिएगा, अच्छा है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल की बात करें तो ये चिकनी मिट्टी होती है, क्ले वाली सॉइल होती है,
और इसका इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए, ब्रिक्स की फॉर्मेशन के लिए, यानी कि जो ईटे बनाए जाते हैं ना वो इसी चीज का इस्तेमाल या इसी मिट्टी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। और इसका आंसर क्या होगा, ब्लैक सॉइल इज द आंसर। अगला, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू नॉट फाउंड इन द फॉलोइंग कंट्री, बताएं ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इनमें से कहां पर नहीं है। सीजल का एग्जाम चल रहा है, क्लास मिस हो जाती है, आई नो क्लास मिस हो जाती है, कोई बात नहीं है, आप उसको रिकॉर्डेड देख लो या वीकेंड पे सारे क्लासेस एक साथ देखो, यही हो सकता है। हाँ, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। युगांडा में नहीं होगा, अच्छा मतलब थोड़ा सोचा है तुमने, सोमालिया तुम्हें लग रहा है, मतलब आपके हिसाब से सोमालिया आपको लग रहा है। भाई मैं सोचूं यार ये कैसे, एक तो तुम लोगों की लिखाई इतनी अच्छी है, बिल्कुल मेरे ऊपर गई है ना, मतलब हमें यहाँ पे आदत थी शॉर्ट में लिखने की, उससे ज्यादा तो आदत तुम लोगों को हो गई है। भाई मैं कहूँ यार सीजीएल के कौन सा, अभी तो रिजल्ट आया था, फिर दोबारा से कैसे चलने लगे। बेटा पूरा लिख दिया करो कॉलेज, कोई समस्या नहीं है, है ना। तो कॉलेज से वापस आके क्लासेस करो। चलिए, तो अफ्रीकन प्लेट्यू, अब देखो सिंपल सी बात है कि ये तीन देश एक साथ में है और ये देश जो है ये ऊपर के साइड पे है, तो ये लॉजिकल चीज थी कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि अफ्रीका में यहाँ पे हो गया, फिर सोमालिया पे चला गया, फिर घूम के कहीं और चला गया, ऐसा तो होगा नहीं। ये तीनों एक साथ देश मिलेंगे तो एक साथ यहीं पर आपको मिलेगा। जब हम सोमालिया की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि सोमालिया वाली जो लोकेशन है यहाँ पे आपको मिलता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ आपको चार देश देखने को मिलेंगे, बताओ। हाँ सही में, मैं एक बार को सोची मैं कह ये कैसे हो सकता है। चलो ये हो गया सोमालिया, ये हुआ इरिट्रिया, इथोपिया एंड जिबूती, ठीक है ना, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जी हाँ बेटा जी, आप इसको अपने किसी भी, बिहार का हो, यूपी का हो, कहीं का भी एग्जाम हो, क्योंकि ज्योग्राफी तो बेटा सेम रहती है ना। चले डेक्कन प्लेट्यू बताओ, इससे आसान सवाल हमको नहीं मिला था बनाने के लिए। क्लाउड सीडिंग हुई थी बुंदेलखंड में, करेक्ट है, IIT कानपुर। पाकिस्तान, एग्जैक्टली पाकिस्तान, हम सोच रहे थे कि कोई तो इसका आंसर जो वो पाकिस्तान तो बताएगा ही बताएगा। चलो इसका राइट आंसर क्या है, इंडिया इसका करेक्ट आंसर बनेगा। देखो भाई ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है ना, तो ऑस्ट्रेलिया से जो अपने पेपर में सवाल बनते हैं वो या तो वो आपसे पूछता है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, पूरे विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान के बारे में, या वो आपसे पूछता है माउंट कॉसिस्को के बारे में जो कि हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की, या पूछेगा लेक आयर के बारे में जो कि डीपेस्ट पॉइंट है, या आपसे पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, ओशियानिया। क्या होगा, ओशियानिया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे कौन सा प्लेट्यू मिलेगा बताना, तो इंडिया नहीं भारत, बताएं कौन सा आपको प्लेट्यू देखने को। सॉरी माय मिस्टेक, ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी ने ये नहीं बताया कि यहाँ पे कौन सा मिनरल मिलता है, लेकिन ये तुरंत बताया कि यहाँ पे मुरे रिवर और डार्लिंग रिवर पाई जाती है, इतना कॉन्सेंट्रेशन है ना इस नदी के ऊपर। हाँ भैया हाँ, पाई जाती है, कोई मना नहीं कर रहा है, पाई जाती है, बताओ कौन सा प्लेट्यू बता रहे हो। मैम रीनू, हाँ बताओ बेटा कौन सा मैसेज देखना है, बताएं। लेक डिसअपॉइंटमेंट भी यहाँ पे मिलता है, पोतवार प्लेट्यू, अच्छा 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 पोतवार प्लेट्यू, ये लो आ गया सवाल।
इसीलिए तो सवाल पूछा था मैंने, बताओ पोतवार प्लेट्यू जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर पाकिस्तान? पोतवार प्लेट्यू पाकिस्तान, पाकिस्तान, श्योर पाकिस्तान। ओके, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पाकिस्तान आपको मिलेगा। जब हम लोग पढ़ते हैं ना लेसर हिमालय, तो लेसर हिमालय में जब हम लोग पढ़ते हैं पीर पंजल वाला पार्ट, क्या पढ़ते हैं, पीर पंजल वाला जो पार्ट है ना, जम्मू एंड कश्मीर वाला, जब हम ये वाला हिस्सा पढ़ते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो बॉर्डर आपको देखने को मिलता है इधर वाले लोकेशन पे आप देखेंगे तो आपको पोतवार प्लेट्यू देखने को मिलेगा। अगला, लार्जेस्ट प्लेट्यू इसमें से कौन सा है? अरे पाकिस्तान में यार, तुम लोग ऑस्ट्रेलिया में बनवा दियो, हमने थोड़ी ना ऑस्ट्रेलिया बोला, तुम ही लोग ऑस्ट्रेलिया बनवा रहे हो। हाँ जी, इनमें से लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है, जो ऑप्शन लिखे हैं उसमें से बताना है। हिमांशी राइट, अभी क्लास के आखिरी में बताते हैं, रुको अभी क्लास के आखिरी में बताएंगे, बताइए। कोलोरेडो, कोलोरेडो, अच्छा कोलोरेडो और कोलंबिया जो है ये रिवर्स भी हैं, ये नदियां भी हैं, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो इनके ऊपर कोई ना कोई डैम भी होगा, तो कौन सा डैम है जरा एक बार बता देना, कौन सा डैम है जरा बताना, कोलंबिया पे और कोलोराडो के ऊपर कौन सा बांध, कौन सा डैम देखने को मिलता है, बताएं। मेरा पीडीएफ वीडीएफ क्लास के आखिरी में बताएंगे, पहले आंसर बताओ। ये देखो राशि पे चले गए, सीधे राशि पे चले गए, एक्वेरियस। हाँ, हूवर डैम और एक पे ग्रैंड कुली डैम, दोनों नाम याद रखिएगा, एक पे मिलेगा हूवर डैम और एक पे मिलेगा ग्रैंड कुली डैम। अगर आपसे पूछा जाता है थ्री जॉर्ज डैम, थ्री जॉर्ज डैम ये कहाँ होगा, तो ये आपको चाइना के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, चाइना के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू, इसमें से कौन सा वाला ऐसा प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है जो कि आपको रॉकी माउंटेन पर देखने को मिलेगा, यानी कि कौन सी जगह हो गई, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, वेस्ट बाय द ग्रेट बेसिन, जिसके वेस्ट में क्या है, ग्रेट बेसिन आपको मिलता है और उसके साउथ में आपको सोनोरन डेजर्ट देखने को मिलता है, प्लेट्यू का नाम क्या होगा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, लेट नहीं, बहुत लेट हूं, बताएं। कोलोरेडो बता रहे हो, देखो डेकन तो है नहीं, तिब्बत भी नहीं है, ऐसा आप कह रहे हो, मैंने नहीं कहा, बताओ बी, कोलोरेडो प्लेट्यू। कल का जो सेशन है, कल के क्लास में हम लोग आइलैंड्स पढ़ेंगे, ओके, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप पढ़ के आइएगा, और जो पूरे वर्ल्ड में छुटकू पुटकू आइलैंड्स हैं उनके बारे में भी एक बार एटलस खोल के देख कर आइएगा। हाँ जी साहिल, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। इसका आंसर क्या आएगा, कोलोरेडो प्लेट्यू जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। देखिए जब हम रॉकी माउंटेन की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, इसकी शुरुआत होती है कहाँ से, अलास्का से, और ये खत्म कहाँ पे होता है, मैक्सिको पे जाके खत्म होता है। अगर हम इसकी हाइएस्ट पीक की बात करते हैं तो माउंट डेनाली, क्या है, माउंट डेनाली जो है वो आपको इसकी हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपको एक रिवर भी मिलती है जिसका नाम है स्नेक रिवर। कौन सी रिवर है, स्नेक रिवर, लेकिन अगर हाँ एल्बर्ट का ही दूसरा नाम है डेनाली, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, बताइए, लॉन्गेस्ट इमोजीज तो तुरंत इस्तेमाल होने लगती हैं, बताएं लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आपको कौन सा देखने को मिलता है। एंडीज, श्योर है, एंडीज, चलिए बिल्कुल सही जवाब है,
क्या हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा लॉन्गेस्ट। कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है बताएं, लार्जेस्ट कौन सा देखने को आपको मिलेगा। अभी क्लास के अंत तक रहिएगा, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताते हैं। अभी शाम को 8 बजे हम लोग बर्निंग कर रहे हैं, बट मंडे से मैंने जो सोचा हुआ है, एक सिर्फ एक ही हफ्ते के लिए एक सीरीज आएगी, अभी आपको उसका नाम बताते हैं। रॉकी नहीं है भाई मेरे, एंडीज भी नहीं है। अरे कोई आंसर ही नहीं बता रहा है सही। नो नो बिल्कुल भी नहीं, एटलस माउंटेन है, एटलस माउंटेन है, ठीक है। और ये एटलस माउंटेन कहाँ पे मिलेगा, तो जो अफ्रीका का जो वेस्ट पार्ट है, जहाँ पे आपको मोरक्को वगैरह देश देखने को मिलते हैं, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है एटलस माउंटेन। कितने भागों में ये बटा हुआ है, तो ये आपको टोटल 5 पार्ट में, 5 अलग अलग भागों में देखने को मिलता है। अगला, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू कहाँ पर है। अभी तुम्हें बताई थी ना रिवर, अब तुम्हारी बारी, बताओ। देखिए मैंने इसके लिए यूज किया है कि नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, अभी एंड में हम बताते हैं आपको। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए में। अभी मैंने आपको बताया कि यूएसए में आपको स्नेक रिवर देखने को मिलती है, अरे मैक्सिको कैसे हो जाएगा भाई मेरे। अगला, टेलीग्राफिक प्लेट्यू कहां पर देखने को मिलेगा, टेलीग्राफिक प्लेट्यू कहां पर देखने को मिलता है। कहाँ आ जाएगा, तो इसकी लोकेशन होगी नॉर्थ अटलांटिक रिज में। कहाँ, नॉर्थ अटलांटिक रिज में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम रिज आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो मैक्सिमम रिजेस आपको अटलांटिक ओशन में ही देखने को मिलते हैं। इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि अटलांटिक ओशन का जो शेप है वो कैसा है, तो वो भी आपको एस शेप देखने को मिलेगा, ठीक। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज लोकेटेड इन चाइना, चाइना में इसमें से कौन सा प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। आज सुबह ही करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, सुबह ही नाम लिया था मैंने इसका। ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, कोई बात नहीं शिखा, लियास बिल्कुल सही जवाब। आज सुबह मैंने आपको पढ़ाया था ना कि चाइना में भूकंप आया है, बताया था, तो यही वाली तो वो लोकेशन थी, ठीक। अगला बताइएगा, इनमें से कौन सा ऐसा पठार है जो कि आपको फ्रांस के अंदर देखने को मिलता है, कौन सा पठार है जो फ्रांस में मिलेगा। तो इनको तो पहले ही बाहर कर दिया था, ये आंसर हो ही गया, तो ऑप्शन क्या बनेगा, मैसिव सेंट्रल प्लेट्यू जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चले, इनमें से कौन सा ऐसा पठार है जो कि जाना जाता है एरोडिबल सॉइल के लिए, बताइए। जैसे कि हम अगर बैडलैंड की बात करते हैं, मतलब कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल क्रॉप नहीं होती, तो इंडिया में कौन सा है, वो छोटा नागपुर का पठार है, वहां पे क्रॉप्स नहीं होती। गुआंगझू, बिल्कुल। मेरा टेलीग्राम वगैरह क्लास के अंत में बताएंगे, पीडीएफ भी क्लास के अंत में बताएंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका भी आंसर क्या है, लोएस्ट फ्लैट, ये बताओ तो जाने। हाँ जी, सवाल, एक तरफ आपको प्लेट्यू के नाम दिए हैं, एक तरफ आपको देश के नाम दिए हैं, आपको इसको मैच करके बताना है। हाँ जी, बताइए तो जाने। एक तो आइबेरियन लिखा हुआ है ना, आइबेरियन हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं कि आइबेरियन वाली जो लोकेशन है यहीं पे आपको क्या मिलता है, स्पेन मिलता है। तो इसके साथ में इसको जोड़ दो, डी के साथ में देखो वन कहाँ आ रहा है, डी के साथ में वन आ रहा है, आंसर आ गया, कहानी खत्म, डन, ठीक है ना, कहानी खत्म। चलिए, ये हो गया इसके बारे में, अगला बताइएगा। कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा प्लेट्यू है जहां पे आपको बेस्ट क्वालिटी का ऊन, ऊन जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे आपको एक बकरी देखने को मिलती है, कौन सी वाली, एंगोरा गोट्स, बताएं। देखो अगर एक भी आपको पता है ना, तो भी आप आसानी से आंसर कर सकते हो, इट डिपेंड्स कि आपको एक आधा पता है कि नहीं पता है, है ना, और कुछ नहीं मालूम है तब तो फिर समझ लो गया। क्या बता रहे हो, उसका आंसर आगर प्लेट्यू। चलिए,
ये देखो अपने आप ही आगे चला जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये जो प्लेट्यू का एरिया है जिसकी बात अभी हमने की, मैसिव सेंट्रल प्लेट्यू की, ये कहाँ है, फ्रांस के अंदर है। और ये काहे के लिए जाना जाता है, तो ये विटी कल्चर के लिए, काहे के लिए, विटी कल्चर के लिए इसको जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको वाइन्स देखने को नहीं मिलेगी। वाइन जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको मिलेगी सेंटियागो के अंदर। कहाँ, सेंटियागो के अंदर मिलेगी, ठीक है। अगला, लॉरेशियन प्लेट्यू कहाँ पर है, कितने खुश हो जाते हैं। हाँ, कैमल के लिए सुरुचि, बिल्कुल सही, मैंने आपको आज ही पढ़ाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, कनाडा के अंदर आपको मिलेगा। कनाडा बोल लो या कनाडा बोल लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। अगला बताएगा, डेकन प्लेट्यू में कौन सी फसल पाई जाती है। कॉटन तो मिलता ही मिलता है ना, तो बस यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉटन आपको डेकन प्लेट्यू के एरिया में देखने को मिलेगी। दालें कहाँ पे मिलती हैं, पल्सेस कहाँ मिलेंगी, तो पल्सेस आपको मिलेगी एमपी के अंदर। ग्राउंड नट जो है ये आपको गुजरात के अंदर भी देखने को मिलती है। वीट की बात करोगे, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, इन सभी जगह पे आपको वीट देखने को मिलता है। ओके, ओवर हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड। इसका जो एरिया है डेक्कन प्लेट्यू का, ये आपको कितने राज्यों में देखने को मिलता है बताएं। देखो एक तो सबको पता है, बाकी बताओ। बोले तीन में, तो तीन के नाम भी तो बताने की होती है ना, स्टेट कौन बताएगा तीन में। नेम द स्टेट ऑल्सो, पांच में। ओके बस पांच में। देखो हमेशा याद रखना कि अगर हम इसके मेजर पार्ट की बात करेंगे तो वो तो आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। क्या हो गया, सबके साथ में मोए मोए हो गया। चलो देखो इसकी जो लोकेशन है ना, ये महाराष्ट्र में तो है, गुजरात में भी मिलती है, थोड़ा बहुत ये तेलंगाना से भी टच करता है, आंध्र से भी थोड़ा बहुत ये टच करेगा, साथ के साथ कर्नाटका का जो एरिया है वहां पे भी आपको ये थोड़ा बहुत टच टच होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो, मालवा पठार नॉर्थ बाय, नॉर्थ में क्या है। हाँ सुरजीत, अब हम जा रहे हैं, बताओ। मालवा पठार सराउंडेड इन द नॉर्थ बाय, अरावली। नॉर्थ लिखा है ना, साउथ थोड़ी ना लिखा है। साउथ लिखा होता तो विंध्या हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में आपसे नॉर्थ पूछा गया तो ऊपर के साइड पे आपको मिलेगा अरावली। और कल मैंने आपको अरावली पढ़ाया था और मैंने बोला था कि ये हरियाणा में भी आएगा, राजस्थान में भी आएगा और दिल्ली में भी आपको ये देखने को मिलेगा। क्या, मालवा। अगला है पेटागोनिया प्लेट्यू कहाँ पर है। पेटागोनिया प्लेट्यू कहाँ पर है, पेटागोनिया प्लेट्यू वाला जो एरिया है ना, उसी के आसपास के एरिया में आपको पैम्पास घास के मैदान देखने को मिलते हैं। बताएं, अर्जेंटीना, चिले। पेटागोनिया प्लेट्यू, अर्जेंटीना, चिले। ओके, अभी बताना पैम्पास ग्रासलैंड तो अर्जेंटीना हो जाएगा। अगला, किम्बर्ले प्लेट्यू कहाँ पर पाया जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है। किम्बर्ले प्लेट्यू कहाँ पर पाया जाता है, ये कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये जो लोकेशन आप देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत गोल्ड भी पाया जाता है, ठीक। अगला, किम्बर्ले जो माइंस है, अरे यार ये तो मैंने बता दिया, लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर, ये दूसरा वाला है, थोड़ा ध्यान से आंसर करिएगा। अभी आपको मैंने गोल्ड वाला बताया है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, साउथ अफ्रीका वाला पूछा गया है, तो ये किसके लिए जाना जाएगा, दिस इज फॉर डायमंड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाला था गोल्ड के लिए, ये किसके लिए, डायमंड के लिए है। साउथ अफ्रीका के अंदर भी काफी सारी आपको माइंस वगैरह देखने को मिलती हैं, ठीक। तो ये तो था अपना आज का सेशन, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम से पीडीएफ ले लीजिएगा। कौन सा, अरे भाई अपना टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय कृति वाला, वहाँ से आप टेलीग्राम से पीडीएफ ले लीजिएगा। और हाँ, 25 से लेके 31 के बीच में एक सीरीज आपके लिए शाम को 8 बजे आएगी, जिसका नाम होगा
रिव्यू 2023, ठीक है। रिव्यू 2023 में क्या है, जैसे कि मान लो पूरे साल भर में इसरो के कितने मिशंस आए, नासा के कितने मिशंस आए, या पूरे साल भर में कौन कौन सी फीमेल्स हैं जो सुर्खियों में रही, या पूरे इस साल के अंदर कौन सी एक्सरसाइज हुई, कौन सी किताबें आई, तो ये आपको मिलने वाला है शाम को 8 बजे, ठीक है। तो इसको स्किप मत करिएगा। और 30 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक आपका मैराथन सेशन होगा पूरे साल भर का करंट अफेयर्स एक साथ। तो रिवीजन करना अभी से शुरू कर दीजिए ताकि आपके लिए बेहतर रहेगा, फाइन। चलिए तो पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिएगा। शाम को 8 बजे आपका सेशन लगा हुआ है, 10 मिनट का, जरूर से चेकआउट किया करिए, टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं सुबह 7 बजे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।